हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर नाइन है सिक्स क्लास में लाइन सेगमेंट्स उसका आज हम इस वीडियो में ब्रेन टीजर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है टिक द करेक्ट आंसर कि जो भी आपका यहाँ पर चार ऑप्शन होंगी हर एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन है उसमें जो भी ठीक है उसको आपको क्या करना है टिक करना है अब फर्स्ट uh, क्वेश्चन हम देख लेते हैं ए इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ अब ये जो आपको फिगर दी हुई है यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है उस पर ए बी सी डी और ई e. इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या है पॉइंट्स दिए हुए हैं ठीक है ठीके? मैं आपको एक बार बुक से दिखा देती हूँ मैंने बुक वाली ही एज इट इज़ जैसा बुक में है ना देखो यहाँ पर सेम जैसा बुक में था ऐसा ही मैंने यहाँ पर बनाया अच्छा एक चीज़ और देख लो यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट है ए पार्ट इसके यहाँ पर जो फर्स्ट है उसमें ऑप्शन है फाइव टेन थर्ड में यहाँ कुछ नहीं है मीन्स मिस है तो हम इसको यहाँ ऐसे ही खाली ही रखेंगे क्योंकि हमें जब ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं है ठीक है तो मैंने यहाँ पर भी इसमें खाली ही रखा है अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखो इसमें क्या है अब इसमें मुझे लाइन सेगमेंट्स काउंट करने हैं कि कितने बनेंगे इसमें ठीक है तो वो मुझे यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लाइन सेगमेंट काउंट करने हैं तो आप ये देखो आपके पास पॉइंट कौन से हैं ए बी सी डी ई ए बी सी डी एंड ई ठीक है हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे लाइन सेगमेंट्स मैं यहाँ राइट करूंगी लाइन सेगमेंट्स ठीक है तो सबसे पहले ए से स्टार्ट हुए अब आप यहाँ पर देखो कि अगर आ, आप देखो आइए ये, ये पांच फ्रेंड है ए बी सी डी और ये e, पांचों के घर हैं ए जो है वो अपने फ्रेंड की ए का मन नहीं लग रहा उसको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है तो वो ए अपने घर से चलेगा या तो वो बी के पास जा सकता है ए बी ठीक है ये भी क्या होगा एक लाइन सेगमेंट होगा ठीक है यहाँ मीन्स हम इसको सारे को ही छुपा दे इधर से तो सिर्फ ये जो ए बी है ये भी क्या है एक लाइन सेगमेंट है ठीक है ऐसा हो सकता है कि ए सीधा बी के घर ना जाके ए सीधा कहाँ चला जाए सी मीन्स ऐसे हो ठीक है बीच वाला पॉइंट ही ना हो ठीक है डायरेक्ट क्या हो ए सी तो नेक्स्ट आएगा ए सी नेक्स्ट हो जाएगा ए से स्टार्ट होकर डी तक ए डी ठीक है और एक आपका बनेगा ए से अगर वो बीच में से किसी के घर गई नहीं गया ए से सीधा ही कहाँ चला गया ई e पर ए हो गई ये है वो है जो ए से स्टार्ट हो रही है ठीक है अब नेक्स्ट आता है मेरे पास बी अगर मैं बी से स्टार्ट करूं इसका ऑप्शन यही है कि आपको ऐसे ही करना होता है ठीक है ए से स्टार्ट होकर ए बी ए सी ए डी और ए ई मीन्स ए से जितने भी हम लाइन सेगमेंट्स बना सकते थे अब ए से सारे हमने जितने भी लाइन सेगमेंट से वो लिख लिया अब हम किससे स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट से ठीक है अब आप यहाँ से देखो अगर आप बी से ए पर जाते हो वापिस बी ए लिखते हो अब आपको पहले बताते हैं कि बी ए लिख दो या ए बी लिख दो वो एक ही बात है ठीक है आप ए से बी पर चले जाओ या बी से ए पर चले जाओ वो एक ही काउंट होगा ठीक है लाइन सेगमेंट तो अब हम नेक्स्ट मीन्स मुझे मैं बी से ए जाऊँ वो तो मैंने लिख रखा है यहाँ बी ए अब बी से सी पर देखो यहाँ ऐसे तो नहीं गए थे हम बी से सी तो नहीं गए ठीक है यहाँ पर देखो कहीं पर भी बी से सी नहीं लिखा तो बी सी बी से किसके घर चले जाओ सी पर बी से कहाँ चले जाओ डी के घर तो बी डी या फिर बी से कहाँ जा सकते हैं डायरेक्ट ई पर बी मीन्स ये सिर्फ इतना सा भी एक लाइन सेगमेंट है ठीक है अगर आप यहाँ से ये यह देखो बीच वाले सी को छुपा देते हो बी डी ये भी एक लाइन सेगमेंट है ठीक है अगर आप बीच के दोनों को छुपा देते हो ठीक है मीन्स बी से डायरेक्ट ही ई e पर बी ई ये भी एक लाइन सेगमेंट है ठीक है अब बी के भी हमने लिखे नेक्स्ट हम करेंगे सी से स्टार्ट अगर आप सी से वापस ए लिखते हो सी ए ये लिखा हुआ है सी ए आप सी से बैक जाते हो बी सी सी बी सी बी मीन्स आप अपना बस एक ये चीज़ याद रख लो कि बैक जाने की ज़रूरत नहीं है वापस अगर आप जाओगे ना सी बी वो आपका कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा देखो सी बी ठीक है तो हम हमारा क्या बनेगा सी सी से नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ सी डी ठीक है और सी ई ठीक है सी वाले भी हो गए सारे अब डी से स्टार्ट करते हैं डी से देखो बैक जाओगे डी ए भी कहीं ना कहीं मिलेगा ये ये रहा डी डी से बी डी बी भी मिलेगा आपको ठीक है ये रहा डी बी डी सी बैक जाओगे तो सब मिल जाएंगे डी सी ठीक है तो नेक्स्ट हमारा क्या डी ई ठीक है लास्ट पॉइंट से देखो अगर आप अब ये मैंने डी भी देख लिया आपके पास ए की बचा ई पॉइंट ई से अगर बैक जाओगे डी बैक तो जितने भी जाओगे सारे मिलेंगे ई e, डी ये रहा ई e, सी ये रहा ई बी ई बी ई ए ई ए ठीक है तो बस यही लाइंस आइटमेंट्स बनेंगे अब हमें इन्हें काउंट करना है कि कितने बने ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बने और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है सेकंड ठीक है तो आंसर आ जाएगा सेकंड नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डाइग्नल्स इन अ पेंटागन इज अब हमें क्या दिया हुआ है पेंटागन देखो यहाँ फि, ये फिगर नहीं बनी हुई है बुक में ठीक है बुक में सिर्फ इतना क्वेश्चन है यहाँ सिर्फ इतना द नंबर ऑफ डायगनल इन इन अ पेंटागन इज ठीक है अब पेंटागन आपको पता होना चाहिए पेंटागन क्या होता है पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं फाइव साइड्स होती हैं ठीक है मीन्स उसमें पाँच लाइन सेगमेंट होने चाहिए ठीक है तो मैंने ये फिगर बना दिया है ए बी सी डी ई कहीं पर भी आप पांच पॉइंट ले लो ए बी सी डी ई और उनको जो कर दिया ए को बी से बी को सी से सी को डी से डी को ई e से और ई e को वापस ए से ठीक है ऐसी फिगर आपने पहले भी बनाई होंगी अब, अब मुझे बताना द नंबर ऑफ डायगनल्स ठीक है जब भी आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाते ये तो होती है इसकी साइड ए बी देखो ठीक है ए बी ये तो है इनकी साइड्स लेकिन मुझे साइड्स नहीं मुझे डायग्नल बताने ठीक है आपको देखो डायग्नल पता होने चाहिए क्या ए के बाद कौन सा पॉइंट आता है बी जब आप जैसे यहाँ मेरे पास पॉइंट है ए बी सी डी और ई e, ठीक है ये मैंने कंटिन्यूटी में ही यहाँ पे रखे हुए हैं ए बी सी डी ई बीच में से ऐसे कोई स्किप नहीं किया ऐसा नहीं किया ए सी नहीं मैंने सारे इकट्ठे ही लिखे हैं तो जब आप एक जैसे यहाँ ए, 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 ए के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा मिल रहा है बी जब आप इनको मिलाते हो ये तो होती हैं साइड्स ठीक है ये कंजीक्यूटिव होते हैं जब आप कोई दो एडजेसेंट कह लो एडजेसेंट मींस दो इकट्ठे एक, एक साथ ठीक है एडजस्टेंट मीन्स आप जब दो इकट्ठे पॉइंट्स को मिलाते हो तो, तो हमारे पास क्या आती हैं साइड्स ठीक है अगर आप नॉन एडजेसेंट मींस जैसे ए के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी और बी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है सी मीन्स आपने ए के बाद बी वाले को स्किप कर दिया ए को डायरेक्ट मिला दिया सी से ठीक है ए को डायरेक्ट कहाँ मिला दिया सी से तो ये आपका क्या बन जाएगा ए को मिलाया है सी से इसको हम क्या कहते हैं डायग्नल ठीक है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि डायगनल कौन कौन से क्योंकि मुझे बताना है काउंट करके कि कितने डायगनल्स बनेंगे ठीक है तो हम नेम लिखेंगे यहाँ पर ए से मैंने क्या लिखा सी पहले मैं ए से जितने भी मिला सकते होंगे ना मैं वो सारे मिला दूंगी ए से सी को मिला सकते हैं ठीक है थीके? और कहाँ मिला सकते हैं ए को मिला सकते हैं डी से आपको मैंने बताया इसमें क्या मिलाने होते हैं नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स एडजेसेंट पॉइंट देखो क्या होता है एक के बाद दूसरा एक के बाद बी आ रहा है जब एडजेसेंट पॉइंट मिलते हैं तो साइड बनती है एक के बाद बी लेकिन जब नॉन एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट मीन्स जो इकट्ठे ना हो ए के बाद बी आना चाहिए था लेकिन मैंने एक मैं ए के बाद बी पर नहीं गई जैसे देखो पांच फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी ई e, ठीक है ए के बाद ये जो सड़क है ना ये वाली सड़क है ए के बाद बी का घर आता था ठीक है और बी से फिर किसके घर जाते थे सी पर लेकिन आपने देखा होगा जैसे मान लो ग्राउंड होता है ग्राउंड में से आप शॉर्टकट बना देते हो तो ए से सी का शॉर्टकट बना दे इसको क्या बोलते हैं डायगनल ठीक है आपने देखा होगा कि आ, हम क्या करते हैं जब भी मीन्स कोई नहीं जाता कि मैं बहुत लंबा आ, दूर से जाऊँ कहीं पर हम शॉर्टकट्स बना देते हैं ठीक है तो यही शॉर्टकट को ही एक तरीके से आप क्या कह सकते हो डायगनल कह सकते हो ठीक है वैसे लैंग्वेज में आपका से ये शॉर्टकट नहीं लिखा मिलेगा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ ठीक है अब ए से हम नेक्स्ट किसको मिला सकते हैं क्योंकि ए के बाद देखो ए ए से डी तक जाने के लिए ए बी सी ऐसे जाती मैं या फिर ए से ई e पर ठीक है लेकिन मैंने डायरेक्ट एक रास्ता यहाँ से बना लिया ए डी ठीक है ए डी ठीक है यहाँ पर हो गया तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा ये भी क्या आ गया है डायगनल आ गया इसका नेम हम यहाँ लिख देते हैं ए डी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ से देखो ए से तो सिर्फ यही दो मिलने थे ए से सी और ए से डी तो यहाँ से ए पॉइंट का मैं कर चुकी हूँ नेक्स्ट बी पॉइंट से देखते हैं ठीक है बी से देखो बी से ए ये तो एक साइड दी हुई है तो मैं बी को किस से मिला सकती हूँ बी को सी से मिलाऊँ पहले से मिला बी को डी से मिला सकती हो ठीक है बी के बाद सी पॉइंट आता है लेकिन नॉन एडजस्टेंट मिलाने तो मीन्स बी से क्या मिला दो डी ठीक है बीच में से आपको शॉर्टकट्स निकालने कहने का मतलब बस ये है ठीक है बी को किससे मिला दिया डी से बी डी ठीक है और नेक्स्ट फिर क्या आएगा बी को और कहाँ मिला सकते हैं बी को डी से मिला दिया और बी को किससे मिला सकते हैं बी को ई e से ठीक है बीई बी से भी जितने मिल सकते थे वो हम मिला चुके हैं ठीक है क्योंकि बी से देखो या तो बी से सी मिल सकता है वो तो साइड है बी से डी बी से ई e, बी से ए ये सारे बस ये मिल चुके हैं अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सी सी से देखो सी से आप ए पॉइंट को मिला सकते थे मिला हुआ है पहले से सी से आप बी पॉइंट को मिला सकते थे वो मिला हुआ है सी से डी ये भी मिला तो सिर्फ एक बचता है सी और ई e, ठीक है सी से ई सी ई ठीक है अब देखो ठीक है सी से एक ही मिलना था क्योंकि सी से ए पहले ही मिला हुआ तो सी से ई e मैंने मिला दिया अब डी की बात है देखो डी से ए भी मिला हुआ है डी से भी मींस ये पहले ही मैं मिला चुकी हूँ ठीक है अब सिर्फ यही बनेंगे मेरे पास इसके अलावा और कोई नहीं है जो डायग्नल बनते क्योंकि देखो आप जितने जा अब मिला मिला सकते थे आपने मिला लिए तो ये कितने आए हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो कितने डाइग्नल्स आए हैं फाइव डाइगनल्स फाइव डायगनल्स तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है इसको ध्यान से देखना सी पार्ट देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है हाँ जी ठीक है देखो इसमें क्या है पहले एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट में देखो इन्होंने क्या बोला है फॉर द फॉलोइंग फिगर्स मीन्स ये जो आपको यहाँ पर ये फिगर्स दिख रही है ठीक है ये जो फिगर है यहाँ पर सी पार्ट में देखो यहाँ पर अब हम पहले हम इनको देख लेते हैं क्या है ए सी में सी बी को ऐड किया है ठीक है ए सी में सी बी एड के आंसर क्या है ए बी मीन्स यहाँ पर भी कोई एडिशन है यहाँ पर भी कुछ ऐड हो के कुछ चीज़ बनी यहाँ पर भी ऐड और ये नन ठीक है इसको तो बाद में देखेंगे अब इन्होंने बोला कि पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ए से सी पर ए सी सी से बी ठीक है और वो किसके इक्वल है ए मींस इन्होंने कुछ ना कुछ सम करके दिखाया अब पहले मैं ना ये जो फर्स्ट टाइस को ही देख लेते हैं अब आप यहाँ से देखो इन्होंने बोला पहले आप ए सी ले लो मींस यहाँ से ए से सी ले लिया ठीक है उसके बाद वो कहता है तो उसमें सी बी एड कर दो सी बी मीन्स ये वाला ए सी मीन्स ये वाला पार्ट ठीक है और सी बी मींस ये वाला पार्ट ठीक है देखो ए सी प्लस सी बी ये ए से सी ये वाला पार्ट और सी से बी ये वाला पार्ट ठीक है ये क्या ये इस पूरी लेंथ के इक्वल होगा ए बी के हाँ होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि या तो आप देखो आप ये इतना सा पार्ट ले लो ठीक है मान लो कि ये क्या है एक थ्रेड है मान लो ठीक है थ्रेड में से ए सी जितना पार्ट ले लो प्लस ये सी बी वाला पार्ट ले लो उसकी लेंथ इस ए बी के जितनी ही होगी ना ठीक है तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट ही बनेगा आंसर ठीक है क्योंकि आपका ये जो ए सी और इसमें सी बी करते हो तो ए बी बनता है देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जब भी आप लिखते हो ए सी प्लस उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखा सी बी ठीक है आप ए से पॉइंट पर गए हो सी वाले पॉइंट पर और यही पॉइंट अगर नेक्स्ट उसमें यूज़ हो रहा है सी और सी से कहाँ गए हो बी पर जब भी आपके पास ऐसा लिखा है कि जैसे ए से सी पर गए जिस पॉइंट पर खत्म हुआ ना सी पॉइंट पर ख़त्म हुआ और उसी पॉइंट से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाए मीन सी बी तो जब आप दो को ऐड करते दो तो आप बीच वाले को स्किप कर दो ए से डायरेक्ट किस पर चले जाओ बी पर यही आंसर बनता है हमेशा ठीक है तो देखो यहाँ पर भी बना हुआ है यही यहाँ पर ये देखो आपके ये वाले क्यों गलत हो जाएंगे ए बी में ए सी ऐड करो ठीक है अब आप ये देखो वो कह रहा है ए बी ए बी का मीनिंग क्या हुआ ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है एक्स्ट्रा और कुछ नहीं ए बी में ए सी ऐड करो ये वाला पार्ट कहिए पूरा कितना है ए बी इतना ठीक है इतनी लेंथ तो पहले से ही है ठीक है प्लस उसमें ए सी एड कर दो ये छोटा सा पार्ट और ऐड कर दो ठीक है एक तो इतना बड़ा पार्ट पहले था और उसमें ये छोटा सा पार्ट और ऐड करा दिया ये कह रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा इस ये इस सिर्फ इतनी सी लेंथ कही तो वैसे ही दिख रहा है कि एक तो पहले तो इतना बड़ा पार्ट है ए बी ये इतनी लेंथ उसमें ये और ऐड कर दिया तो लेंथ तो और बढ़नी चाहिए थी ना लेकिन वो कह रहा है कि किसके को ला जाएगी सी बी के तो यहाँ से सिर्फ पहला ही आंसर बन जाएगा आपका इसको देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए देखो ये क्या कह रहे हैं ए से बी पर जाओ ए से बी पर गए में ये पूरी लेंथ कंप्लीट ठीक है ले ली हमने इतनी उसमें बी सी ऐड कर दो बी से वापस जाओ उसी पर बैक इतना देखो इतनी लेंथ पहले ठीक है इसमें और कितना ऐड कर दो ये वाला ये तो क्या है इस देखो इतनी लेंथ और इतना पार्ट इसमें ऐड करोगे इतना और यहाँ ये यह तो इतनी काफ़ी लंबी लेंथ हो जाएगी लेकिन वो क्या कहना है सिर्फ किसके एक वाला है सी ए के ठीक है ये गलत है बस मैं आपको एक बार दोबारा से ये बता देती हूँ कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो ए सी प्लस सी बी ए से हम किस पर गए सी पर सी से बी पर जाओ सी से बी पर ठीक है एक छोटा सा पार्ट ये एक छोटा सा पार्ट ये मिला के इकट्ठा कर दोगे तो कितना ये ही बनेगा ए बी ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी आंसर है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है नेक्स्ट है डी पार्ट डी पार्ट में देखो क्या है अलाइन सेगमेंट ठीक है क्या बोला इन्होंने अलाइन सेगमेंट अलाइन सेगमेंट अब इसके से रिलेटेड हमें यहाँ चार छोटे छोटे डेफिनेशन टाइप से कुछ दिए इनमें से देखना है कि कौन सा ठीक है एक्सटेंड एक इन वन डायरेक्शन ओनली एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन हैज़ टू एंड पॉइंट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ अब आप ये देखो पहले मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लाइन सेगमेंट होता क्या है ठीक है उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा क्या बनेगा लाइन सेगमेंट में देखो क्या है जैसे मान लो आपने यहाँ से वन से फाइव तक का लिया ठीक है यहाँ तक इसमें क्या होता है लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं है? ये पूरी लाइन का एक पोर्शन होता है ठीक है जैसे यहाँ पर ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ठीक है अब इन्होंने बोला एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन आप जब भी देखोगे लाइन सेगमेंट में क्या होता है ये या, इस डॉट से शुरू होकर इस डॉट तक ठीक है लाइन सेगमेंट सिर्फ इतना होता है ना तो इधर कोई एरो हम बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट ठीक है line segment, और लाइन सेगमेंट में कौन सा लिया है ए बी ठीक है अब आप यहां देखोगे तो ए से बी तक है अगर इसमें आप ना तो इधर कोई एरो बन रहा है और ना ही उधर कोई एरो बन रहा है तो एक्सटेंड इन ओनली वन डायरेक्शन ये तो दो ये कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन में देखो यहाँ एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ जिसमें दोनों तरफ एरो होता है ए बी मीन्स जिसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं वो तो क्या होती है लाइन जिसमें एक तरफ एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ उसको क्या है ऐसे इंक्रीज कर रखा हो ये ए और ये बी इसको क्या कहते हैं रे ठीक है Array, और एक डॉट से शुरू होकर दूसरे डॉट तक ए बी इसको क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट ठीक है लाइन सेगमेंट तो अब आप यहां से देखो एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन ओनली तो एक डायरेक्शन में तो रे एक्सटेंड होती है लाइन सेगमेंट नहीं होता तो पहला तो क्या होगा रोंग हो गए तो एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन में तो लेफ्ट में भी और राइट में भी तो लाइन होती है जो हमारी दोनों तरफ जाती है एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन ठीक है लाइन होती है वो लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट हैज टू एंड ठीक है, है. यहाँ से देखो लाइन सेगमेंट है इसका ए इस तरफ एंड पॉइंट ए है और इस तरफ एंड पॉइंट बी है तो यहाँ से आपका आंसर ये सेकंड बन जाएगा हैज लेंथ एंड ब्रेथ देखो इसकी लेंथ को तो मेजर किया जा सकता है ठीक है यहाँ से यहाँ आप मेजर कर लो आप अपना स्केल ले लो ठीक है स्केल से अगर आप इसको मेजर करोगे तो यह आपका फाइव सेंटीमीटर है लेंथ या तो उसकी एक मीन्स सिर्फ लेंथ होती है उसकी ब्रेथ नहीं होती ब्रेथ किसकी होती है जैसे मान लो कि आप ऐसे एक रेक्टेंगल बनाते हो ठीक है आपने रेक्टेंगल बनाया यहाँ लेंथ और ये ब्रेथ ठीक है लेकिन ले, ये जो लाइन सेगमेंट हो तो उसकी सिर्फ लेंथ होती है तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा तो आपका आंसर बन जाएगा ये जो थर्ड पार्ट है ये आपका आंसर है हैज़ टू एंड पॉइंट्स ठीक है नेक्स्ट है ई पार्ट ई पार्ट में देखो क्या है वन एंड पॉइंट एक सेकंड हाँ जी यहाँ देखो वन एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अगेंस्ट द मार्क टू एंड अदर एट मार्क्स नाइन ऑफ अ स्केल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें स्केल की जरूरत है लाइन सेगमेंट ए बी इज अगेंस्ट द मार्क टू मीनस आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और वो कहाँ पर कि जैसे कोई एक एंड जैसे लाइन सेगमेंट है ठीक है इसका एक एंड पॉइंट तो कहाँ पर आएगा टू पर एंड अदर एट मार्क्स नाइन और दूसरा है वो कहां पर आएगा नाइन पर ऑफ अ स्केल जो भी आपको स्केल होगा उस पर ठीक है लेंथ ऑफ सेगमेंट ये जो ए और ये बी है इसकी आपको लेंथ बतानी मीन्स टू से लेकर कहाँ तक नाइन तक तो अब मैं यहाँ तक देखो ये टू से स्टार्ट होकर ठीक है टू से स्टार्ट हुए कहाँ तक जाना है हमें नाइन तक ठीक है जूम करके दिखा देती हूँ आपको ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू से और कहाँ तक जाएंगे तक ठीक है यहाँ पर एक एक डॉट मैंने यहां पर बना दिया और एक डॉट यहाँ पर ठीक यह है ये है ठीक है ये आपका कहाँ पर मार्क्स था ये टू पर था मार्क और ये कहाँ पर मार्क था नाइन पर इसको ए नेम दे दिया है और इसको बी नेम दे दिया है ठीक है अब आप ये देखो आपको ये बताने कि ये जो लाइन सेगमेंट आ गया इसकी लेंथ आपको बतानी है इसको मेज़र कर लो क्योंकि जब आप लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हो तो आपको जहाँ से स्टार्ट होता वहां है वहाँ जीरो लेते हो आप यहाँ ये यह ज़ीरो तो अब आप देख लो ये कहाँ तक गया है ठीक है एक सेकेंड हाँ जी अब दिख रहा है ठीक है कहाँ तक गया है ज़ीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है सेवन तक गया है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सेवन सेंटीमीटर ठीक है ये यह यहाँ पर ये यह टू और नाइन मत लिखो ये टू और नाइन मत लिखो ये सिर्फ कहाँ पर है ये मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि ये कहाँ पर है ये स्केल पर है ठीक है यहाँ पर ऐसे किया था हमने ये टू से नाइन तक ऐसे ठीक है तो अब आपको ये देखो कि इसकी लेंथ आई है सेवन सेंटीमीटर अब ना ऑप्शन में देख लो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी इसकी लेंथ कितनी आई है सेवन सेंटीमीटर तो कोई कौन सी ऑप्शन बनेगी हमारा आंसर यहाँ पर हमें दिया गया है सेकेंड ठीक है आपको एक चीज और बता दू आपने टू से स्टार्ट होकर आप कहाँ तक गए हो नाइन तक इधर देखो टू से स्टार्ट होकर कहाँ तक गए हो नाइन तक जब भी हमें किसी चीज की लेंथ को मेजर करना होता है तो हम जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें से फर्स्ट पॉइंट को क्या कर देते हैं माइनस नाइन में से टू माइनस करोगे तो कितना आएगा सेवन यही हमारा आंसर है ठीक है तो आंसर यहाँ पर ये सेवन आंसर आ गया और यहाँ पर आपका ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच